मालिक के सज्जन भाई प्यारे सत्संग जी सब ठीक ठाक हो भाई सत्संग जी जी मालिक सबको ठीक रखे दया में रहमत से नवाजे सदगुरु मुर्शिदे कामिल और रहबरदाता जो सच्ची भावना से सच्चे हृदय से याद करता है वो कणकण में जर्रे जर्रे में नजर आता है. इंसान की तमाम गम चिंता परेशानियों को वो मिटा दिया करता है क्योंकि मुर्शिद सदगुरु वो ताकत होती है जिसका हाथ पावर हाउस परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहता है. जो सच्ची भावना से दृढ़ निश्चय से अपने गुरु पीर फकीर की बात को मानता है वचनों को मानता हुआ आगे चलता है यकीनन उसके पिछले जन्मों के और आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को वो पीर फकीर मुर्शिदे कामिल परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके कंकर में बदलवा दिया करते हैं. दृढ़ यकीन सेवा और सुमरण से आता है. तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो परहित परमार्थ करो. कोई भी आपके आसपास दुखी नजर आता है मर्यादा में रह के वचनों पे पक्के रह के उनके दुख दर्द परेशानियों को दूर करने की कोशिश करो. यही संत यही पीर पैगंबर रूहानी संदेश दिया करते हैं और जो सुन लेते हैं जो मान लेते हैं यकीनन जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं. आदमी के अंत्यकरण में जन्म जन्मों से मैल जमी हुई है. दूसरे शब्दों में 84 लाख जोनियों के पाप कर्म चढ़े हुए हैं. इनको हटाने के लिए जरूरी है आप सुमरण करें. सुमरण जब इंसान करता है किसी और का भला हो ना हो उसका खुद का भला जरूर हुआ करता है. इस घोर कलयुग में किया गया सुमरण कभी खाली नहीं जाता. चाहे आप थोड़ा सा समय ही सुमरण के लिए दे दें आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम ना से तो 15 मिनट सुबह शाम भी अच्छा है. वो किया गया सुमरण जरूर आपके रास्ते को साफ करेगा. आपके रास्ते में दूसरे शब्दों में आपकी जिंदगी में जो कोई दुख दर्द परेशानियां मुश्किलें आने वाली हैं किया गया सुमरण उन मुश्किलों को उन परेशानियों को दूर करेगा और उन समस्याओं से निकलने का आपको हल देगा. इसलिए सुमरण के पक्के बनो. ये घोर कलयुग का समय है. कलयुग का दौर चल रहा है. हाथ को हाथ खाए जा रहा है. ऐसे में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ही एकमात्र उपाय है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है इंसान को बुरे कर्मों से बचा सकता है. तो भाई चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरण कीजिए भक्ति इबादत कीजिए क्योंकि ऐसा किया गया सुमरण सुखों की खान है. और अगर सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में अगर आप उठ जाएं और घंटा मालिक की याद में बैठें शाम को रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद घंटा सुमरण करें तो यकीनन वो परमानंद वो नजारे वो लज्जतें तमाम आपको मिलेंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. क्यों जरूरी है सुमरण करना क्यों जरूरी है परमपिता परमात्मा के दर्शन करना क्योंकि ये घोर कलयुग में मन इंद्रियां फैलाव में है. इंसान का मन जंगली घोड़ा है पता नहीं बेलगाम घोड़ा किधर से किधर चला जाए इंसान को गुमराह कर दे बुरे कर्मों में फंसा दे करी कराई भक्ति करे कराए कर्म को निष्कर्म कर दे पाप कर्म में बदल दे. इसलिए मन को लगाम डालना जरूरी और मन के लगाम सेवा और सुमरण से डलती है और लगातार किया गया सुमरण उस लगाम को खींचता रहता है. जैसे घोड़े को रोकना है तो लगाम खींच देते हैं हाथी को रोकना है तो अंकुश चुभो देते हैं. तो इसी तरह इस मन रूपी हाथी को रोकने के लिए राम नाम का अंकुश लगातार चुभोना पड़ता है. इस पगलाए हाथी का कुछ पता नहीं किस तरफ को दौड़ पड़े क्योंकि जब हाथी पगला जाया करते थे पुराने समय में वो अपनी सेना को रौंद डाला करते थे. इसलिए
जरूरी है कि आप अपने मन को रोकें, क्योंकि ये तो खुद को जरूर रोनता है, किसी को रोंदे ना रोंदे। तो इस राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का चाबुक अंकुश इसके चुभोते रहिए, ताकि मन आपकी गिरफ्त में रहे, आपके काबू में रहे और आप वो तमाम खुशियां हासिल कर सकें मालिक ने जिसके लिए आपको बनाया है। बुरे कर्मों से परहेज कीजिए, वचनों की काट कभी ना करो, क्योंकि लगातार वचनों की काट, संत पीर फकीर कुछ नहीं कहते, सत्संग में समझाते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, लेकिन कर्म जैसे इंसान करता है आने वाले टाइम में उसका फल अवश्य भोगना होता है। तो बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, सुमरन करें, मालिक से मालिक को मांगा करें, ताकि मालिक की दया में रहमत आप मुसलाधार बरसे और आप माला माला हो जाएं।